नमस्कार पिले माने, आज आमर विषय होची जैव विविधता। एही विषय रे आमे पढ़िबा श्रेणी विभागर आधार और श्रेणी विभागर पदानुक्रम। तो पिले माने प्रथमे आमे जानिबा श्रेणी विभागर आधार विषय। तो पिले माने ये होचंती जने ग्रीक साइंटिस्ट अरिस्टोटल। तो पिले माने सी बासस्थान को भित्ति करी श्रेणी विभाग करथिले, किंतु सही श्रेणी विभाग किसी भूल धारणा उपरे आधारित थिला। आसुन देखिबा पिले माने एटा केमेंती भूल थिला। एही चित्रटी पिले माने तिमी माछर, एटी सार्क रो, एटी समुद्र तारा रो एवं एटी ऑक्टोपस रो। तो पिले माने एमाने समस्ते परिस्थान दृष्टि जलचर, कहीं समस्ते जल बास करती, किंतु यह व्यतीत एमाने अनेक सामंजस्य रही थाए। तेणु केवल परिस्थान उपर निर्भर करी जीव जगतर गोष्ठी विभक्त करिबा ठीक हेबो नहीं। किसी निर्दिष्ट आधार बा लक्षण को नहीं श्रेणी विभाग करा जाए। जीवगोष्ठी मध्य रही सेमानंकर आकार, व्यवहार बा प्रकृति, शारीरिक गठन एवं कार्यधारे समानता अथवा पृथक गुण। तो पिले माने एही चित्रटी को देख, एटी हेउची माछर। पिला माने एटा कौन कहल, एटा हेउची माछर काती। माछ मानक काती एक विशिष्ट लक्षण होता है। मनुष्य जाति पाई लोम बाल गोटे विशेष लक्षण होता है। तो पिले माने एठारे कोषर प्रकृति ठार आरंभ कर विभिन्न जीव मध्य सामंजस्यपूर्ण लक्षण थिले मध्ये जीव मानकर श्रेणी विभाग समय केतक संबंधित लक्षण द्वारा ही गोष्ठी हो पारिथाए। तो पिले माने एहरा केतक उदाहरण आम देखिबा। तो पिले माने सुनास्टीय कोषरे कोष अंगिका और नास्टी थाए, जहाद्वारा बहुकोषी जीव मानकर विभिन्न कोषीय प्रक्रिया अलग अलग और भल भाव कार्य करिपारे। हेले प्राक नास्टीय कोषरे एक संगठित नास्टी न थाए एवं सही कोषर विभिन्न क्रिया गुड़ी सुनास्टीय कोष गुड़िक अलग भाव कार्य करे। तो पिले माने एटी सुनास्टीय कोष एवं एटी प्राक नास्टीय कोष। एही नास्टी विशिष्ट कोष परवर्ती समय रे बहु कोषरे विभक्त होई विशेष कार्य करि पारंती। एणु नास्टीयुक्त कोष सुसंगठित जीव जगतर श्रेणी विभाग रे एक विशेष लक्षण भाव कार्य करे। तो पिले माने एबे आमे देखिबा एक कोषीय प्राणी मानको, जहा होची एमीबा, प्रोटोजोआ, युग्लिना एवं पारामिसियम। एवं एबे देखिबा बहुकोषीय प्राणी मानको माने होची कृमि, उद्भिद एवं प्राणी। तो पिले माने एक कोषीय प्राणी माने बहुकोषीय प्राणी मानू अलग होती एवं सेमानंकर श्रेणी विभाग एही आधार रे होता है। तो पिले माने एटी हेउची एक उद्भिद। तो उद्भिद निजे खाद्य प्रस्तुति करी पारी थाए। आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुति करी पारी थाए, किंतु प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति न करिबा हेतु खाद्य पाई अन्य मानक उपरे निर्भर करी थांती। तो एटी मध्य श्रेणी विभाग रो एक आधार। तो एबे आमे देखिबा पिला माने श्रेणी विभाग रो पदानुक्रम। तो पिले माने पूर्वरु आलोचना आमे करथिले जे एकाधिक जातिर समारोह रे गोटिए प्रजाति गठित हुए, सेहिपरि एक बा एकाधिक प्रजातिर समारोह रे गोटिए वंश
गठित हुए एवं एक बा एकाधिक वंशर समारोह वर्ग गठित हुए। वर्ग मान समारोह श्रेणी एवं श्रेणी मान समारोह पर्व गठित हुए। तो पिले विभिन्न पर्वर समारोह प्राणी जगत और उद्भिद जगत गठित होता है। केतक स्थल प्रजाति को उपप्रजाति जहाँकि सबजिनस एवं वंश को उपवंश वर्ग को उपवर्ग एवं श्रेणी को उपश्रेणी रे मध्य विभाग करा जाए थाए एवं पर्व को उपपर्व और सब फाइलम रे मध्य विभाग करा जाए थाए। एड़ी को देखो पिले माने चावल चावल रे जाति हेउची सटाइवा एवं तार प्रजाति होची ओराइजा एवं वंश हेउची पेयासी। आ गोटे उदाहरण नवा पिले माने गहमर गहमर जाति होची अस्टिवम तार प्रजाति होची ट्रिटिकम। एबे आमे देखिबा पिले माने सिंहर सिंहर जाति होची लियो एवं तार प्रजाति होची पांथेरा एवं वंश होची फेलिडी। एबे देखिबा आमे बाघ को पिले माने तो पिले माने बाघर जातिर ना टाइग्रिस प्रजातिर ना पांथेरा एवं वंशर ना फेलिडी। तो पिले माने आजर आमर एही विषय टी तो शेष होई गला। एबे आमे देखिबा एही विषय रे आमे कोन सब सिखिले। तो पिले माने आमे सिखिले किपरि भाबरे श्रेणी मानंकर पदानुक्रम होई थाए जाति को प्रजाति रे प्रजाति रु वंश वंश रु वर्ग वर्ग रु श्रेणी श्रेणी रु पर्व एवं पर्व रु प्राणी जगत उद्भिद जगत रे। पिले माने परवर्ती अध्याय रे आमे पढ़िबा पंच जगत विशिष्ट वर्गीकरण।